गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय व्लॉग। तो फ्रेंड्स, सुबह के अब 6 बजने वाले हैं और अर्जुन अभी रेडी हो रहा है। तो सुबह का पहला काम है अर्जुन की वैन की वेट करना, क्योंकि तकरीबन हम 10-15 मिनट पहले रेडी हो जाते हैं, अर्जुन हमारा रेडी हो जाता है। और आज हम इस खेत में चारे की बिजाई करेंगे, क्योंकि काफ़ी दिन से बारिश हो रही थी तो बिजाई नहीं हो पाई, पानी खड़ा हो जाता था खेत में। तो आज भी बादल तो बहुत हैं, लेकिन देखते हैं बारिश होगी या नहीं होगी। तो आज ट्रैक्टर वाला तो आएगा, तो फिर हम जहां पर अपने चारे की बिजाई करेंगे, क्योंकि अभी वो जो चारा है वो थोड़ा कम हो गया है। तो अगर उसकी कटाई होगी और पीछे बिजाई नहीं होगी तो फिर चारे की मुश्किल आ जाएगी। तो आज हम चारे की बिजाई करेंगे जहाँ पर, अगर बारिश नहीं आई तो। बादल तो हैं लेकिन हवा तो बिल्कुल नहीं चल रही, बहुत ज़्यादा गर्मी है। मुझे लगता है कल की लाइट आ रही है, शाम से लेकर अब सुबह तक कल मोटर हमारी चल रही है लाइट, नहीं तो कभी कभार लाइट बंद हो जाती है 3-4 घंटे की, जहाँ 7-8 घंटे लाइट आती है तो बंद हो जाती है, लेकिन ये कल शाम की ऐसे ही चल रही है। तो ये जो गेट के बाहर पौधा लगाया हमने, काफ़ी फैल चुका है, तो हम नीचे से इसकी टहनियों को काट देंगे, क्योंकि जब भी हम अंदर गाड़ी से ऐसे जाते हैं तो गाड़ी पे भी वो टहनियाँ वो लग जाती हैं। तो हम नीचे से, मैं सोच रहा था कि नीचे से इसे हम काट देंगे, ताकि इसमें से थोड़ी जगह जो है वो खुली हो जाए। तो इसके जो ऊपर वाली टहनियाँ वो भी हम काट देंगे, और नीचे वालियाँ थोड़ी थोड़ी जो है वो काट देंगे। तो नीचे से हमने जो इसकी टहनियाँ हैं वो काट दी हैं, और अर्जुन हमारा भी आ चुका है रेडी होकर, अभी वैन की वेट कर रहा है। तब सब 5 मिनट में इसकी गाड़ी जो है, स्कूल की वैन है, वो आ जाएगी। तो इस बीज को हम बिजाई से पहले पानी में भिगो लेंगे, क्योंकि इससे क्या होता है, पानी में भिगोने से 1-2 घंटे भिगो देंगे तो इसकी जर्मिनेशन अच्छी होती है, पौधा जल्दी निकल आता है। तो बीज को हमने पानी में भिगो दिया है, इससे क्या होता है, बीज में नमी बन जाएगी और जो पौधा है वो जल्दी निकलेगा। तो अभी हम ट्रैक्टर का इंतज़ार करते हैं, तब तक हम, वो 1 घंटे में आएगा, तब तक पानी में हम इसे बीज को ऐसे रहने देंगे और फिर निकाल के हम अपने खेत में जो है वो बीज दे देंगे। तो जब तक ट्रैक्टर आता है, मैं सोच रहा हूँ ये हमारे एसी का, देखिए ये जाली है कितनी भर चुकी है डस्ट से। तो हुआ क्या, कि एसी का जो पानी है वो आगे से बहने लगा है, क्योंकि जो ओवरफ्लो होता है ना, बाहर पानी निकलने वाला जो होता है, उस नाली में कभी कभार कचरा आ जाता है, और कचरा आ जाने से वो जो नाली है बाहर जहाँ से पानी निकलता है एसी का, तो वो ब्लॉक हो जाती है। ब्लॉक क्यों हो जाती है, क्योंकि उसमें डस्ट आ जाती है। तो मैं अभी एसी को, ऊपर का कवर मैंने खोल दिया है, और अब हम, मैं उस नाली में से जो कचरा था जहाँ पर पानी इकट्ठा होगा, मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूँगा, तो मैं आपको दिखाता हूँ, वहाँ पर पानी इकट्ठा होगा तो हम वहाँ से कचरा निकालेंगे, तो वो पानी अपने आप बाहर आना शुरू हो जाएगा, नहीं तो क्या है कि पानी अंदर आना शुरू हो जाता है, जहाँ पर अंदर हमारा एसी लगा हुआ होता ना, वहाँ से पानी लीकेज होना शुरू होता है। तो ये देखिए कितनी डस्ट है, तो ये डस्ट जो है वो छोटी सी जो छेद होता है उसमें अटक जाता है जो कचरा होता है, तो फिर उसकी वजह से वो छेद जो है वो बंद हो जाता है और पानी हमारा आगे से बहना शुरू हो जाता है। तो अभी हम, जब तक ट्रैक्टर आता है, हम ये काम कर लेते हैं। तो हमने जो एसी का ऊपर वाला कवर होता है पूरे का पूरा, उसको भी खोल दिया है। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि पानी कहाँ रुक जाता है, जो पानी एसी से आगे निकलता है ना, वो क्यों निकलता है। तो देखा भी आपने कैसे पानी वो जो इकट्ठा हुआ था, इस वायर की मदद से हमने छेद में इसे ऐसे
थोड़ा सा हिलाया उस डस्ट को जितना भी, और पानी सारा एकदम से सारा बाहर निकला गया एसी का पानी। और ये देखिए जितनी भी उसमें डस्ट थी, जो जाली वगैरह थी, वो यहाँ देखिए यहाँ से निकल रही है। तो ये भी पाइप टूट चुकी है, हम नई लाकर डाल देंगे। तो ये इस प्रॉब्लम से जब वो बाहर से पानी आता है तो शेड बंद हो जाता है, तो पानी जो एसी का वो अंदर आ जाता है। तो अब हम इसकी सहायता से, ये गार्डनिंग पंप है जो हम स्प्रे के लिए यूज़ करते हैं, छोटा है, तो इसकी सहायता से हम एसी की और भी साफ़ सफाई कर लेंगे। क्योंकि देखिए अभी मैं इसे प्रेस करूँगा तो कितना प्रेशर है इसमें, तो जो उसकी जाली होती है और भी बीच में, वो अच्छी तरह से वो डस्ट है वो निकल जाएगी जो भी, और फिर वो नाली बाद में छेद है वो ब्लॉक नहीं होगा। तो इसकी सहायता से जो बाकी डस्ट रह गई है वो ये साफ़ कर देगा, और एक तरह की हमारी एसी की सर्विस भी हो जाएगी। तो बीज हमने खेत में दे दिया है और ट्रैक्टर भी आ चुका है, तो इसके बाद हम रेडी होके ऑफिस जाएंगे, क्योंकि बहुत काम कर लिया है। अब हमने एसी का भी थोड़ी सी सर्विस की है और बीज भी हमने खेत में दे दिया, ट्रैक्टर आ चुका है, तो इसके बाद हम रेडी होके ऑफिस जाएंगे। तो हमें किसी एक्सरसाइज की सुबह वैसे ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि देख रहे हैं पूरा मैं पसीने से भीग चुका हूँ और पता नहीं कितनी मेरी कैलरी जो है वो बर्न हो चुकी हैं। तो अगर आप घर का काम करते रहोगे तो मुझे नहीं लगता जिम जाने की ज़रूरत पड़ती है। फिटनेस आपकी, अगर आप फिटनेस बनाना चाहते हैं तो घर के काम करते रहें, सुबह उठें एक दो घंटे घर का काम करें और फिर देखें आपकी फ़िटनेस कितनी अच्छी होगी। तो चारे की बिजाई तो कर ली है, अब भगवान के हाथ में है। अगर बादल भी हैं, काफ़ी दिन से बारिश हो रही है, वैसे ही हम बहुत लेट हो चुके हैं क्योंकि चारा हमारा कम रह गया है और हमने बिजाई भी नहीं की, तभी बिजाई की है। तो 700 रुपया दिया ट्रैक्टर वाले को, 400 का बीज आया, मान के चलो 1100 रुपया हमने लगा दिया है। अब भगवान के हाथ में है कि ये बीज निकलेगा या नहीं निकलेगा। अजय अगर बारिश कम होगी तो इतना नुकसान नहीं होगा, अगर पानी इसमें खड़ा हो गया तो फिर मुझे नहीं लगता कोई बीज निकलेगा। तो बहुत सारे लोगों ने दोबारा बिजाई की है, एक बार बिजाई की बारिश हो गई तो उनके जो हरा चारा था वो पूरा ख़राब हो चुका था। तो अभी तो ये तो कुछ चीज़ें भगवान के हाथ में होती हैं। तो चलो मैं आपको अपडेट देता रहूँगा, चैनल पर बने रहना। ये देखिए बादल, बारिश पूरी आने वाली है। तो आज हमने चारे की बिजाई की और देखिए पूरी तरह से बारिश का मौसम बना है और छोटी छोटी बूंदाबांदी भी हो रही है बारिश की, और आसमान की तरफ देखिए कितने बादल गहरे हैं। किसी वक्त भी बारिश आ सकती है, आएगी भी बहुत ज़्यादा तेज अगर आ गई तो। तो हम जिस बात से डरते थे वही बात हो गई, बारिश आ चुकी है। तो एसी की हमने पूरी तरह से सफाई कर दी है, अब जो इसके कपड़े उतारे हैं इसका कवर वो हम इसके ऊपर लगा देंगे और चला के देखेंगे इसकी कूलिंग कैसी है। तो हमने अपने एसी को नए कपड़े पहना दिए, देखिए कितनी साफ़ सफाई की है, कवर की पूरे चमक रहे हैं, पूरा सफ़ेद हो चुका है, एक भी इसमें दाग नहीं है अब। तो हमने आज एसी की सर्विस भी कर ली है और देखेंगे अब इसे ऑन करके कि कूलिंग का क्या हाल है, कितनी कूलिंग है इसकी, अच्छी है पहले से अच्छी होती है या नहीं, और इसमें जो लीकेज है वो बंद होती है या नहीं।
तो फाइनली बारिश तो रुक चुकी है, लेकिन मौसम का कोई पता नहीं चलता कब क्या हो जाए। अभी पीछे आप देख रहे हैं बादल आपको नज़र आ रहे होंगे, आप भी कुछ नहीं कह सकते, लेकिन इस तरफ से धूप भी आ रही है और सूरज भी निकला हुआ है। लगता नहीं है कि बारिश हुई है, लेकिन मौसम का कोई पता नहीं चलता क्या हो जाए। ये हमारे हाथ में नहीं है, भगवान को जो मंजूर है वही होगा। तो देखते हैं आगे क्या होता मेरे है। मेरे मन में था सबसे पहले जब घर जाऊंगा तो मैं सुबह देखूंगा जिस खेत में हमने बीज की बुआई की थी हरे चारे की, उसका क्या हाल है। बारिश बहुत हो चुकी है, तो ये देखिए ऊपर वाली मिट्टी तो पूरी तरह गीली हो चुकी है। अब होता क्या है कि जब मिट्टी गीली हो जाती है तो उसकी परत जम जाती है, तो जो बीज है निकलेगा, बीज में से पौधा वो नहीं निकल पाएगा। तो ये किसान की हालत ऐसे होती है। मेरी तो इतनी सी जगह पर मैंने ये बीज की बुआई की है, अगर आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किसान जो है पूरे की पूरी भगवान पर निर्भर होता है, ऐसे ही अपनी फसल को खुले आसमां के नीचे छोड़ देता है। तो पता नहीं बारिश आनी है, मौसम कैसा होना है, उसकी फसल ख़राब हो जाती है या नहीं। तो ये ऐसा बिजनेस है जिसमें रिस्क ही रिस्क है। तो देखा जाए तो किसानी जो है वो एक सेफ आप बोल नहीं सकते कि किसान पूरी तरह से अपने जो उसकी फसल है वो पूरी तरह से सुरक्षित है। तो पैलेस में ग्रास की कटिंग चल रही है मशीन से। पहले तो बारिश की वजह से रोक दिया था काम, लेकिन अभी बारिश रुक चुकी है तो मिट्टी ठीक है। अगर ज़्यादा गीली हो जाती तो फिर काम रुक जाता, लेकिन लड़का कटाई कर रहा है अभी। तो अभी बस इतनी जगह रह गई है, बाकी काम हो जाएगा कटाई का। ग्रास की जो कटाई है वो चल रही है। तो अभी मैं घर जा रहा हूँ और देखिए आज काफ़ी अंधेरा हो चुका है घर जाते जाते, और इसके बाद मैं घर पहुँच के खाना खा के फिर सो जाऊँगा, बहुत थक चुका हूँ। तो अंधेरा काफ़ी हो चुका है और मोगरे की स्मेल पूरे घर में फैल चुकी है। ये देखिए रात को जैसे ये फूल निकल आते हैं और इसकी स्मेल इतनी ज़्यादा है कि पूरे घर में महक आती है, और बाहर रोड से पता चल जाता है कि जैसे ऐसे लगता है जैसे कोई अगरबत्ती जल रही हो। और देखिए वो चांद निकला हुआ है। तो आज काफ़ी अंधेरा हो गया घर आते आते। तो इसी के साथ वीडियो हम यहीं आज समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते रहना। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में।